तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग ECA चैप्टर थर्ड का फोर्थ पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग कमर्शियल लॉसेस इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो कमर्शियल लॉसेस को कैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, उस कौन कौन सा मेथड है उसके बारे में बताइए। तो द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग कमर्शियल लॉसेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स आर, दिस कैन बी रिड्यूस बाय इंस्टॉलिंग सबमिशन मीटर फॉर अ ग्रुप ऑफ कस्टमर टू डिटेक्ट विलफरेज, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अमाउंट पावर ड्रॉन एंड अमाउंट ऑफ सप्लाई बाय द एजेंसी, इंस्टॉलिंग एक्यूरेट मीटर प्रॉपरली टेस्टेड, रिस्टार्टिंग द रेगुलर टेस्टिंग, कैलिब्रेटिंग ऑफ मीटर, कंडक्टिंग सरप्राइज रेड ऑन द कंज्यूमर प्रीमाइसेस टू डिटेक्ट थेफ्ट एंड पिलिफरेज। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कैसे हम लोग कमर्शियल लॉसेस को रिड्यूस कर सकते हैं, किस किस तरीके से, क्या क्या मेथड से कर सकते हैं। तो इसमें जो बताया गया है कि हम लोग सबमिशन मीटर इंस्टॉल करके, जैसे एक एरिया में एक सब मेन मीटर रहेगा, यानी उस मीटर के बाद ही सभी कस्टमर को सप्लाई दिया जाता है। तो इस मीटर से क्या होगा, जो ग्रुप को, जिस ग्रुप के ये सबमिशन मीटर के थ्रू कनेक्शन गया है, तो उनका जो मीटर रीडिंग आएगा, सभी फॉर एग्जांपल समझो 10 कस्टमर है, 10 कस्टमर का एक सबमिशन मीटर रखे और सभी कस्टमर का जो रीडिंग आएगा है ना, दैट शुड बी इक्वल टू दैट सबमिशन मीटर। अगर उसमें डिफरेंस आता है, कस्टमर का 10 कस्टमर का जो यूनिट रेट है, यूनिट है 100 मीटर का, उसका अगर यूनिट कम आ रहा है और सबमिशन मीटर का टोटल जो यूनिट है वो ज़्यादा आ रहा है, वो जो डिफरेंस है उसका मतलब उतना जो यूनिट है वो चोरी हुआ है। इस प्रकार से हम लोग चोरी को डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर कितना पावर लिए और कितने एजेंसी ने सप्लाई दिया, उस मीटर से वो फाइंड आउट हो सकता है। फिर इंस्टॉलिंग एक्यूरेट मीटर, ऐसा है कि फॉल्टी मीटर या मीटर रीडिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है, उसके वजह से ये जो कमर्शियल लॉसेस होता है, तो ये जो मीटर जो इंस्टॉल करते हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए, प्रॉपर कैलिब्रेटेड होना चाहिए, प्रॉपर टेस्टेड होना चाहिए और नियमित तौर पे रेगुलर उसका टेस्टिंग होना चाहिए कि मीटर प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, रीडिंग प्रॉपर दे रहा है कि नहीं, है ना। और इसके अलावा कभी कभी जो है कंज्यूमर प्रीमाइसेस में सरप्राइज रेट मारना चाहिए, कहीं पे अगर ऐसे ही संदेह स्थिति है कि रीडिंग बहुत कम आ रहा है, तो ऐसे प्रीमाइसेस में, ऐसे कंज्यूमर के प्रीमाइसेस में सरप्राइज अगर रेट मारे, अगर अचानक उस पर ये करे धाड़ मारे, तो उससे क्या होगा कि ये चोरी जो है रोक सकते हैं और इस प्रकार से हम लोग कमर्शियल लॉसेस जो है वो कम कर सकते हैं। सेकंड जो पॉइंट बोला है, दिस रेमेडीज लीड्स टू प्रॉपर इवेल्यूशन ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड एंड यूटिलाइज, देयर विल लीड्स टू अवॉइडेंस ऑफ इम्प्रॉपर यूज ऑफ अवेलेबल एनर्जी विच रिड्यूस द एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड सेविंग इन एनर्जी सोर्सेस। तो सेकेंड पॉइंट में ये बोल बताया गया है कि इस प्रकार से अगर हम लोग पालन करें, तो इससे क्या है कि प्रॉपर कितना एनर्जी हमको प्रोड्यूस करना है वो पता चल जाएगा, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना यूटिलाइज हो रहा है ना। तो इससे क्या अवॉइड होगा कि जो इम्प्रॉपर अवेलेबल ऑफ एनर्जी, जो कितना एनर्जी जनरेट करना पड़ेगा, कितना एनर्जी रिक्वायरमेंट है, वो प्रॉपर फाइंड आउट होगा। ये जो इम्प्रॉपर एनर्जी है वो नहीं रहेगा, यानी कभी एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, कंजम्पशन कम होता है, कभी कंजम्पशन ज़्यादा है और वो जनरेशन कम हो रहा है, तो ये जो है डिफरेंसेस ये नहीं रहेगा। और जिसके वजह से जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट कितना है और उसमें कितना एनर्जी सेविंग हो रहा है, कितना सेविंग हो सकता है, ये सब पता चल सकता है। तो इस प्रकार से टेक्निकल लॉसेस को रिड्यूस करने का मेथड है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्टेट एंड एक्सप्लेन एनर्जी कंजर्वेशन मेजर फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉसेस। अब इस क्वेश्चन में बताया है कि कैसे एनर्जी कंजर्वेशन तरीका है, एनर्जी सेविंग का तरीका है डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन सिस्टम में रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉसेस। तो एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉसेस आर, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉसेस ये कमर्शियल लॉसेस में ही आता है। तो मिटिगेशन ऑफ पावर थेफ्ट, अब कैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं उसके बारे में। तो पहला पॉइंट जो है वो बिजली चोरी को रोक के, है ना। पावर थेफ्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यू विच ऑल द सर्विस प्रोवाइडिंग यूटिलिटी फेस, इट नेसेसिएट सम स्ट्रॉन्ग स्टेप्स टूवर्ड मिटिगेशन ऑफ पावर थेफ्ट। स्टेट गवर्नमेंट कैन कंट्रीब्यूट इन दिस बाय फार्मिंग स्ट्रिक्ट रूल एंड लॉ। तो ये बोला है कि ये जो बिजली की चोरी है बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जो है एक समस्या है, इसको जो है जो बिजली विभाग है वो सालों से इसको फेस कर रहे हैं, यह एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए ज़रूरी है कि इसको, अगर बिजली चोरी को अगर कम करना है, रोकना है, तो राज्य सरकार को भी इस पे कड़ा नियम कानून बनाना पड़ेगा, जिससे कि लोगों को कठोर दंड मिले और बिजली चोरी को कम कर सके। सेकंड जो पॉइंट बताया कि मीटर सेल, CTPT में कभी कभी क्या है कि फेरबदल करके भी मीटर रीडिंग जो है वो कम आता है, तो अगर मीटर अगर प्रॉपरली सील है तो उसमें भी हम लोग उसको रोक सकते हैं। तो CTPT टर्मिनल ऑफ मीटर बॉक्स शुड बी प्रोवाइडेड विद पावर सील इन ऑर्डर टू प्रिवेंट पावर डेप्थ पेनल्टी शुड बी इंटरफेस फॉर मीटर टेम्परिंग। तो ये मीटर अगर प्रॉपरली सील रहेगा तो ये जो है उसमें टेम्परिंग नहीं कर सकते, उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर उसमें छेड़छाड़ दिखता है ना कि भाई टेम्परिंग इसके साथ कुछ मीटर के साथ, क्योंकि मीटर प्रॉपरली सील है, तो वो अगर ब्रेक होता है तो इससे पता चल सकता है कि यहाँ पे इसके साथ छेड़छाड़ हुआ है, तो उस केस में क्या है कि एक पेनल्टी भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से मीटर को सील करके भी हम लोग ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस या कमर्शियल लॉसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। थर्ड जो है विजिलेंस स्क्वाड, तो पावर थेफ्ट शुड बी आइडेंटिफाइड थ्रू विजिलेंस। विजिलेंस स्क्वाड नीड टू बी फॉर्म फॉर पावर थेफ्ट चेकिंग इन ऑर्डर टू स्पीड अप मिटिगेशन। तो पावर बिजली चोरी जो है वो प्रॉपरली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं ये विजिलेंस करके, प्रॉपर निरीक्षण करके। और ये जो विजिलेंस जो दल रहेगा, निरीक्षक दल, वो पावर चोरी को प्रॉपर चेक करते रहेगा, जिससे कि हम लोग बिजली चोरी को कम कर सकते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है, फॉल्टी मीटर रिप्लेसमेंट। तो डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी शुड बी अटेंशन टू फॉल्टी मीटर, इट शुड बी रिप्लेस इमीजिएटली, मीटर शुड बी चेक पीरियोडिकली फॉर द पर्पज ऑफ नोइंग एक्यूरेसी। तो डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी जो है वो प्रॉपरली फॉल्टी मीटर की तरफ ध्यान देना चाहिए, और उसको जैसे ही कोई ऐसा फॉल्टी मीटर मिले तो उसको तुरंत रिप्लेस कर देना चाहिए, और ये जो है मीटर प्रॉपरली पीरियोडिकली बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए कि किसी प्रकार का कहीं पे कोई फॉल्ट तो नहीं है किसी मीटर में, है ना। इस प्रकार से फॉल्टी मीटर को रिप्लेस करके हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉसेस को कम कर सकते हैं। फिफ्थ जो पॉइंट है, बिल कलेक्शन कैपेसिटी, नंबर ऑफ पेमेंट सेल इंक्रीज फॉर पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन टाइम, ऑप्शन फॉर ई पेमेंट इज सुइटेबल फॉर कंज्यूमर एज वेल एज यूटिलिटी, दिस एनकरेज कस्टमर फॉर रेगुलर पेमेंट। तो बिजली जो लॉसेस होता है वो बिजली प्रॉपर पेमेंट नहीं मिलता है, प्रॉपर उसका बिजली का जो बिल है वो सबमिट नहीं करते लोग, तो इसके वजह से इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो बिजली विभाग है उसका पेमेंट कलेक्शन जो सेंटर है उसका मात्रा जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। साथों साथ ई पेमेंट जो ऑप्शन है वो कस्टमर के लिए भी सुइटेबल होता है, तो वो सुविधा प्रोवाइड करना चाहिए यूटिलिटी जो सप्लाई कंपनी है, और इससे क्या है कस्टमर को एनकरेजमेंट मिलता है रेगुलर पेमेंट करने के लिए, प्रोत्साहन मिलता है रेगुलर पेमेंट करने के लिए। सिक्स्थ जो पॉइंट है, रिड्यूस डेबिट। तो जो कंज्यूमर हैविंग ओल्ड डेब्ट शुड बी लीगली कम्युनिकेटेड एंड नेसेसरी एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट देम इन ऑर्डर टू रिसीव द सेम, इफ पॉलिस कैन बी टेकन अलोंग द डिस्कनेक्ट द सप्लाई इफ रिकवरी इज नॉट बी डन। तो
तो बहुत सारे जो है कस्टमर जो है प्रॉपरली बिजली का बिल नहीं भरते हैं, तो वो महीनों महीनों तो सालों सालों बिजली का बिल जो है वो पेंडिंग रहता है। इससे क्या है कि इसके ऊपर लीगली कम्युनिकेशन करके स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, प्रॉपरली उसको रिकवर करना चाहिए। अगर ज़रूरी हुआ तो पुलिस को लेके जाके उसको सप्लाई जो है वो डिसकनेक्ट कर देना चाहिए, अगर प्रॉपरली बिल जो है वो सबमिट नहीं कर रहा है तो। फिर एनर्जी ऑडिट स्कीम, बाय बिग इंडस्ट्री एंड यूटिलिटी शुड बी मैंडेटेड टू कैरी आउट द एनर्जी ऑडिट एंड आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ लॉसेस एंड मेजर टू रिसीव इंसेंटिव शुड बी अवॉर्डेड हु आर बीइंग केप्ट लॉसेस इन लिमिट। तो एनर्जी ऑडिट करके भी हम लोग ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉसेस है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे बड़े इंडस्ट्री है या फिर जो बड़े बड़े कंपनियां हैं उसको कंपलसरी होना चाहिए कि वो जो एनर्जी ऑडिट करना हर साल ज़रूरी है, और उससे आइडेंटिफाई हो सकता है कि कौन से एरिया में कहाँ पे लॉसेस होता है और किस प्रकार से उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अगर वो अगर अपने लिमिट में रखता है तो उसको इंसेंटिव मिलना चाहिए, है ना, यानी पावर फैक्टर वगैरह या पावर कंजम्पशन जो है वो अगर लिमिट में रखता है तो उसको इंसेंटिव मिलेगा। इस प्रकार से एनर्जी ऑडिट करके भी हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉसेस कम कर सकते हैं। तो ये जो 7 पॉइंट है इससे इसको अगर प्रॉपरली फॉलो करें तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉसेस जो है वो उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी इन ए क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग एनर्जी एफिशिएंट लैम्प रिप्लेसमेंट ऑप्शन। तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि एनर्जी एफिशिएंट लैम्प को रिप्लेस करना, जो हमारे रेगुलर लैम्प है या लाइट है उसको रिप्लेस करेंगे एनर्जी एफिशिएंट लैम्प से, तो किस क्राइटेरिया के बेस पे? तो क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग एनर्जी एफिशिएंट लैम्प रिप्लेसमेंट ऑप्शन, फर्स्ट व्हाइल रिप्लेसिंग द लैम्प बाय हायर एनर्जी एफिशिएंट लैम्प वी मस्ट एंश्योर दैट द रिक्वायर्ड कलर रेंडरिंग इंडेक्स CRI इज मेंटेन। तो जब भी हम लोग एनर्जी एफिशिएंट लैम्प लगा रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं हमारे कन्वेंशनल लाइट्स लैम्प से, तो उसमें अपने को देखना है कि जो कलर रेंडरिंग इंडेक्स है वो प्रॉपर है कि नहीं, तो CRI उसको बोला जाता है, वो मेंटेन होना चाहिए, अदरवाइज इट हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द क्वालिटी एंड रेट ऑफ द वर्क आउटपुट। तो उस नहीं तो फिर क्या होगा कि अपने को प्रॉपर लाइटिंग नहीं मिलेगा और उसका जो आउटपुट है वो प्रॉपर नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये CRI जो वो मेंटेन होना चाहिए। दूसरा, द ग्लेयर ऑफ द ह्यूमन आइज शुड बी लेस बाय एन लाइटिंग मेथड। तो जो चकाचौंध वाला लाइट है उसको वो आँखों को बहुत चुभता है, तो ये जो है किसी भी लाइट का जो है वो ग्लेयर कम होना चाहिए, ये पॉइंट देखना है जब भी हम लोगों को लाइट रिप्लेस करना है तो। थर्ड जो पॉइंट है, बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ लाइटिंग मेथड द सराउंडिंग कंडीशन शुड बी प्लीजेंट टू एवरीबॉडी। तो लाइटिंग सिलेक्ट करने के टाइम पे अपने को सराउंडिंग जो कंडीशन है वो प्लीजेंट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। पांचवा जो है, बाय एनी लाइटिंग मेथड द इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एक्सीडेंट शुड बी लेस। तो जो भी लाइटिंग सिस्टम लगा रहा है उसमें ऐसा ना हो कि लाइट बहुत कम मात्रा में मिल रहा है, तो इससे क्या है कि दुर्घटना होने का चांसेस है, तो वो एनर्जी एफिशिएंट लाइट भी हो और साथों साथ जो लाइटिंग आउटपुट है वो प्रॉपर रहना चाहिए, जिससे कि मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल जो एक्सीडेंट है उसको अवॉइड कर सके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्टेट द एनर्जी एफिशिएंट लैम्प फॉर डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन। अब एनर्जी एफिशिएंट लैम्प डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन के लिए क्या है, कौन कौन सा है? तो फॉलोइंग आर द एनर्जी एफिशिएंट लैम्प फॉर डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन। पहला जो है, रिप्लेसिंग इनकैंडेसेंट लैम्प बाय कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। तो सबसे पहला जो है, जो हमारे पुराने टंगस्टन लाइट रहता है जो जिसको इनकैंडेसेंट लैम्प भी बोला जाता है, उसको क्या है रिप्लेस करना है, किससे? CFL से, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। सेकेंड, रिप्लेस कन्वेंशनल फ्लोरोसेंट लैम्प बाय एनर्जी एफिशिएंट फ्लोरोसेंट लैम्प। पहले जो हम लोग ट्यूबलाइट यूज़ करते थे उसको फ्लोरोसेंट लैम्प कहा जाता है, तो वो कन्वेंशनल जो फ्लोरोसेंट लैम्प था उसको रिप्लेस करके हम लोग को एनर्जी एफिशिएंट जो फ्लोरोसेंट लैम्प अभी नए नए मार्केट में आया है, जो ज़्यादा इफिशेंट है, कम एनर्जी यूज़ करते हैं और एनर्जी सेविंग करता है, तो ऐसे लाइट को लगाना है पूरे कन्वेंशनल
जो ट्यूबलाइट है उसको रिप्लेस करके। थर्ड, तो रिप्लेसिंग क्लीमेट लैम्प ऑन पैनल बाय एलईडी। तो पहले जो पैनल में जो इलेक्ट्रिकल पैनल वगैरह रहता है उसमें जो लैम्प रहता था, उस लैम्प को रिप्लेस करके हमको एलईडी लाइट लगाना चाहिए, एलईडी लैम्प लगाना चाहिए। इंडिकेशन पर्पस के लिए वो लैम्प वगैरह यूज़ होता है। तो पहले का जो लैम्प था वो जो पावर कंज्यूम करता था ज़्यादा, अभी जो एलईडी लाइट है वो नॉमिनल ना के बराबर जो है पावर कंज्यूम करता है। तो इसको रिप्लेस करके पैनल में एलईडी लाइट लगाना चाहिए। चौथा जो पॉइंट है, एलईडी लाइट इन रिप्लेस ऑफ ऑल अदर लैम्प। और सबसे एफिशिएंट जो लाइट प्रेजेंटली जो अवेलेबल है मार्केट में एलईडी लैंप है। तो सभी प्रकार के लैंप को हो सके तो रिप्लेस करके एलईडी लैंप ही लगाना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग एनर्जी एफिशिएंट लाइट लगा सकते हैं अपने डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में पुराने लाइट को रिप्लेस करके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ इंस्टॉलिंग हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट इन प्लेस ऑफ कन्वेंशनल ब्लास्ट फॉर फ्लोरेसेंट लैम्प। तो ये जो चोक ब्लास्ट मीन्स वो चोक है, तो जो हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक जो ब्लास्ट आ गया है मार्केट में अभी अवेलेबल है, तो उसको रिप्लेस जो कन्वेंशनल ब्लास्ट फ्लोरेसेंट लैम्प है, पहले का जो चोक आता था ट्यूबलाइट के साथ, उसको रिप्लेस करके हम लोग क्या लगाएंगे, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट। तो उसका क्या एडवांटेजेस है वो पूछा है, क्यों लगाएंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लास्ट, तो उसका एडवांटेजेस क्या है। पहला जो एडवांटेजेस है कि वो इंस्टेंट लाइट, जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं तुरंत जो हमारा ट्यूबलाइट है वो ऑन हो जाता है। पहले के जो कन्वेंशनल चोक था उसमें फ्लिकरिंग होता था फिर बाद में चालू होता था, लेकिन इसमें इंस्टेंटली चालू होता है। सेकेंड जो है लाइटर वेट, उसका वजन भी बहुत कम रहता है। फिर पावर सेविंग अप टू 33%। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लास्ट है उसमें करीब 33% जो है वो एनर्जी सेविंग होता है। और हीट आउटपुट इज़ नेग्लिजिबल दैट रिड्यूस लोड ऑन एयर कंडीशनिंग। और उसमें क्या है कि हीट जो है बहुत ही कम प्रोड्यूस होता है, जिसके वजह से क्या है कि नेग्लिजिबल है हीट जो है उसका आउटपुट है वो ना के बराबर है, जिससे कि हमारे एयर कंडीशनर के ऊपर वो लोड कम आता है। क्योंकि अगर घर रूम में एयर कंडीशनर है और ट्यूबलाइट है तो जितना भी चोक रहेगा वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, तो एयर कंडीशनर को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा उसको रूम को मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स चोक लगाए तो रूम का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एसी को ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो इससे भी हमारा जो एनर्जी कंजर्व होता है। फिफ्थ जो है इम्प्रूव पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को इम्प्रूव होता है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लास्ट से। और ऑपरेटेड एट लो वोल्टेज, ये जो है बहुत ही कम वोल्टेज में भी ऑपरेट होता है। पहले जो कन्वेंशनल ट्यूबलाइट था उसमें वोल्टेज थोड़ा कम होने के बाद वो बंद हो जाता था, लेकिन ये जो ट्यूबलाइट है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लास्ट वाला, तो वो जो है कम वोल्टेज पे भी ऑपरेट होता है। और सेवन्थ जो पॉइंट है, एनहेंस लाइफ ऑफ लैम्प। तो इससे क्या है कि लैम्प का जो लाइफ है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करो। थैंक यू।